जो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी देखिए, आप लोग देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या बनाया है और कैसे बनाया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आप लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छी होंगे। तो आइए आज की रेसिपी चालू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिया है एक कटोरी गेहूँ के आटे, जिससे हम रोटी बनाते हैं वही वाला आटा हम लिए हैं। आप चाहे फ्रेंड्स तो आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम जो है गेहूँ के आटे से ही बना रहे हैं। तो एक कटोरी मैंने आटा ले लिया। किसी आप बर्तन ले लीजिए, बड़ा सा बाउल उसमें रख लीजिए। और यहाँ पे आधा कटोरी हम और ले लिए हैं, यानी सब मिलाकर डेढ़ कटोरी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं आटे का। डेढ़ कटोरी आटे का हम बना रहे हैं। और यहाँ पर हम ले लिए हैं एक कटोरी से थोड़ा सा कम, ये हमारा चीनी है। तो यहाँ पे मीठा आप अपने हिसाब से भी डाल सकती हैं, ज़्यादा या कम कर सकती हैं। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को लाइट पसंद होता है। तो बस मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया। और चार छोटी इलायची ले लिए हैं। छोटी इलायची को हम जो है छीलकर इसको डाल देंगे, इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोगों को नहीं पसंद हो तो इसे स्किप भी कर सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों को छोटी इलायची नहीं पसंद होता है फ्लेवर इसका, तो इसको आप स्किप भी कर दीजिएगा। हमने यहाँ पे डाल दिया है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे हम छोटी इलायची डाल दिए हैं। अब जो है हम ले लिए हैं पानी। तो यहाँ पे हम लिए हैं एक गिलास पानी। पानी को हमें एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स करते जाएंगे। इसे हमें बहुत पतला पेस्ट नहीं तैयार करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा। तो हम आपको दिखाएंगे कैसा पेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अगर हम इसे फेंटेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये फेट आ जाएंगे और इसमें जो है लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं बहुत ही, इसे 5 मिनट तक अगर फेंट दीजिए ना तो बिल्कुल सॉफ्ट ये हो जाएगा और बहुत अच्छे से बिल्कुल ये तैयार होगा जब हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इसे हमने फेंट लिया है 5 मिनट तक, कम से कम हम चम्मच से ही इसे खूब अच्छे से फेंट लिए हैं ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और बने तो बिल्कुल फूल कर अच्छा से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकती हैं बिल्कुल बढ़िया सा ये तैयार है। तो अब इसे फ्रेंड्स हम रख देते हैं साइड और तब तक आगे करते हैं तैयारी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जो है गैस ऑन करके पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो देखिए यहाँ पर जो है तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पहले थोड़ा सा डालकर देख लेते हैं कि घी हमारा अच्छे से गर्म है या नहीं। तो आप देख सकती हैं फ्रेंड्स फेंटने की वजह से ये तेल में डालते ही बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हुआ है फेंट कर। तो इसे हम बस चेक करने के लिए डाले थे कि घी हमारा गर्म है या नहीं थोड़ा सा। तो यहाँ पर उसे हम निकाल देंगे और अब बनाना शुरू करते हैं। घी हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम जो है छोटा छोटा करके डालते हैं, एक एक करके। तेल में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। कभी कभी होता है ना मीठा खाने का मन होता है, बड़ों का या बच्चों का किसी का भी, तो झटपट ये बना सकती हैं आप बिल्कुल कम समय में, बिल्कुल घर के सामान में। कुछ भी इसमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है और ये बनकर बिल्कुल टेस्टी सा ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकती हैं इसे हम पलट देंगे चलाते हुए, और गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं रखना है, नहीं तो ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चा रह जाएंगे। तो इसलिए इसे हमें मीडियम हाई फ्लेम पर ही तलना है। तो बस इसे हम ऐसे ही पलटते हुए तलेंगे, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इसे जो है ऐसे देखिए बिल्कुल लाल ये हम निकाल लिए हैं और बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से सभी गुलगुले को तल लेते हैं। तो एक बार और तलकर हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से हम डालेंगे
तो यहाँ पे मैंने आपको एक बार चम्मच से दिखाया तल के, और अब हम हाथों से ही इसे तल कर दिखा। आपको जैसे आसान लगे आप कर सकती हैं, चम्मच से भी डाल सकती हैं या फिर हाथों से भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे अब हम दोबारा हाथों से ही करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा, इसी तरीके से ये आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकती हैं, बहुत ही बच्चे पसंद करते हैं इसे। बच्चों को थोड़ा सा मीठा हो तो पसंद आता है, और कभी कभी मन होता है बड़ों का भी मीठा खाने का, तो इसे आप बना सकती हैं बिल्कुल झटपट और बिल्कुल बढ़िया सा बनकर, ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाएगा। तो इसे हम पलटते हुए ऐसे ही तल लेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को याद दिला दे, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स, और लाइक का बटन दिया गया है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो, पसंद आता हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर बताया करें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सारे गुलगुले को तलकर तैयार कर लिए हैं। तो इसे फ्रेंड्स मेरे यहाँ गुलगुले बोलते हैं, गुलगुला, तो आप लोग इसे क्या बोलते हो अपना, इसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ इसे क्या बोला जाता है। तो हर जगह पे अलग अलग डिशों के नाम होते हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसे आप लोग क्या बोलती हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी गर्म है, थोड़ा सा तोड़कर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी ये लगता है फ्रेंड्स और बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये मेरा गुलगुला बनकर तैयार हो गया है, और आपने देखा कितना ही कम समय में ये तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।